प्रसव के दौरान दो बच्चों की मौत पर अस्पताल में हंगामा। लक्सर में प्रसव के दौरान आज एक निजी नर्सिंग होम में दो बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह मामले को संभाला गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों बच्चों की मौत अस्पताल के संचालिका डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई है। जब हमने हंगामा कर रहे परिजनों से बात की, परिजनों ने बताया कि वह आज सुबह 4 बजे प्रसव पीड़िता को लेकर एकता नर्सिंग होम लक्सर आए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें नॉर्मल डिलीवरी की बात कहकर भर्ती कर लिया। लेकिन जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकी और प्रसव पीड़िता की हालत बेहद गंभीर हो गई, तो इन्होंने जबरदस्ती डिलीवरी कराई, जिससे बच्चे की मौत हो गई। लेकिन मौत होने के बाद भी डॉक्टर एकता गोस्वामी द्वारा हमें कुछ नहीं बताया गया और बच्चे की मौत को डॉक्टर छिपाती रही। वहीं जब हमने हंगामा कर रहे दूसरे मृतक बच्चे के परिजनों से बात की, तो उन्होंने बताया कि हम आज सुबह ही अपनी प्रसव पीड़िता को लेकर यहां आए थे। उस समय तो डॉक्टर एकता ने इसे भर्ती कर लिया और सारी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन जब प्रसव पीड़िता की हालत बेहद खराब हो गई, तो डॉक्टर ने प्रसव पीड़िता को बाहर हॉस्पिटल भेजने की बात कही। जब हम उसे बाहर ले गए, तो वहां के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके बच्चा तो पैदा करा दिया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बच्चे की मौत का कारण लक्सर डॉक्टर की लापरवाही बताया गया, जिसके बाद दोनों ही बच्चों को लेकर लक्सर एकता नर्सिंग होम में परिजनों द्वारा जमकर हंगामा काटा गया। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर एकता नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर एकता गोस्वामी से बात की, तो उन्होंने बताया कि आज सुबह मेरे यहाँ दो प्रसव पीड़ित आई थी, जिनमें में एक की डिलीवरी नॉर्मल हुई और दूसरी कोई यहां से रेफर कर दिया गया था। दोनों ही प्रसव पीड़िता बेहद खराब कंडीशन में थी, लेकिन फिर भी हमने एक की नॉर्मल डिलीवरी करा दी और दूसरी को बाहर भेज दिया। डॉक्टर ने बताया कि डिलीवरी के बाद भी बच्चे की मौत हुई है, जबकि एक बच्चे की मौत बाहर के अस्पताल में हुई है और एक हमारे यहां हुई है। मौके पर पहुंचे लक्सर कोतवाली के एसआई मनोज नौटियाल से बात की गई। उन्होंने बताया कि एकता नर्सिंग होम में दो बच्चों के मौत की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, अभी तक तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लक्सर से गोपाल सैनी की रिपोर्ट। इन्होंने मुझे बोला था कि आपका बच्चा बचेगा और आपके बच्चा दोनों चीज बचेगी। इन्होंने मेरा बच्चा जान के मारा है अंदर। मेरी मम्मी को बाहर काट दी, वहां से किसी को भी अंदर नहीं लिया, सबको बाहर काट के उसको इंजेक्शन लगाया, पता नहीं क्या लगाया, बच्चा बचा नहीं। ये मैंने कहा कि मशीन में रखो, इसको आगे करो कहीं से, कहने लगा ये इसमें धड़कन ही नहीं है, इसकी धड़कन ही सारी चीज जिम्मेदारी ली थी इन्होंने। कहने लगा आपका बच्चा हम देंगे, कहने लगा बच्चा बचेगा, अगर आप लेट करोगे तो इसे बच्चा नहीं बचेगा। मैं सुबह 4 बजे यहाँ पे आया, तो मैंने कहा मुझे अपनी वाइफ की डिलीवरी करानी है, तो इन्होंने मुझे बोला कि डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल तुम्हारी। जब डिलीवरी का वक्त आया, तो डिलीवरी में इन्होंने क्या किया, 7 नर्सें थी मेरी वाइफ के पास में, एक ने तो यहाँ कोई थप्पड़ यहाँ पे बजा रही, कोई कहीं पे बजा रही, उसके साथ में जबरदस्ती वाली बात हो गई, जबरदस्ती कर रहे थे उसके साथ में। फिर जब इनसे वैसे नहीं हुआ, तो इन्होंने मशीन लगाई, मेरे बच्चे की खोपड़ी फोड़ दी। चाहे तो आप देख सकते हैं जी, बच्चा बनाया। पेशेंट आया, मैंने उसको एडमिट करा, उनको मैंने सारी कंडीशंस बता दी कि बच्चा कम दिन का है, बच्चे की धड़कन बहुत कम हो रही है, इसको जो है ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे नॉर्मल ही चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है नॉर्मल का हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा कम दिन का, हम नहीं चाहते कि किसी का ऑपरेशन होकर एक केस खराब हो जाए। जब नहीं हुआ तो मैंने इनको कहा कि भैया इसको आप आगे ले जाइए, वहां इन्होंने ऑपरेशन कराया, जबकि यहां से कहकर भेजा था बच्चे की कोई भी गारंटी नहीं है इसकी, बच्चा आपका नहीं, आपको ठीक आपको मिलेगा। ये वहां लेके गए, फिर वहां से वापस लेके आए हैं कि हम तो वहीं हंगामा काटेंगे जाते हैं।